सत्तास प्रकाश को आधार मानते हुए, आधार बनाते हुए वैदिक सिद्धांत ज्ञान, क्योंकि यह पूरी दुनिया, इस दुनिया में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, उसकी एक अवधारणा होती है, वह अवधारणा है जीवन के संदर्भ में, जीवन के विविध अवस्थाओं के संदर्भ में, और अपने जीवन के अतिरेक जो दूसरी जो चीजें हैं जो उससे संबंधित हैं, समाज के संदर्भ में, या हम यूं कहें कि जैसे ऋषियों ने कहा ना कि जीवन के जो पुरुषार्थ चतुष्टय है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनके संदर्भ में भी हर व्यक्ति की एक अपनी अवधारणा होती है। उन व्यक्तियों की अवधारणाओं को एक स्वरूप में बांधने का काम हमारे प्राचीन ऋषियों ने बहुत तप के बाद में, पुरुषार्थ के बाद में उस कार्य को किया। इसलिए जितने ज्यों ज्यों हम ऋषियों के अनुरूप अपने आप को बनाने का प्रयास करते हैं, त्यों त्यों हमको यह दिखाई देने लगता है कि इसमें बहुत सारे भेद नहीं हैं। या हम उसको दूसरे शब्दों में कहें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इन सबको मिला करके हमको एक सही स्वरूप तक पहुंचने में हमको सहायता एक प्राप्त होता है, उससे सहयोग मिलता है हमको। दूसरे अर्थों में ज्यों ज्यों हम उससे विमुख होते जाते हैं, फिर सैद्धांतिक विभेदता की स्थिति ज्यादा बढ़ती जाती है। इसलिए दुनिया के अंदर में जहां जहां हम ऋषियों के अनुकूल हैं, वहां वहां पर भिन्नताएं नहीं हैं, और जहां जहां पर प्रतिकूलताएं हैं, जैसे कहें कि वहां अनुकूलता नहीं है, अनुकूलता भी नहीं, मैं यूं कहूं कि जहां ऋषियों के अनुकूल नहीं है जो हमारा सोच विचार, वहां वहां पर बहुत सारे भेद हैं। तो इस भेद को समाप्त कैसे किया जा सकता है? उस भेद को समाप्त तब किया जा सकता है, शंका का समाधान तब किया जा सकता है, जब हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो सोच है, वो ऋषियों के अनुसार हो, शास्त्रों के अनुसार हो। हालांकि जानने मात्र से सब कुछ का समाधान नहीं होता है, पर जानने से प्रवृत्त होने में उससे सहयोग प्राप्त होता है। तो इसलिए जनाने का प्रयास सत्तास प्रकाश के माध्यम से है। हम लोग विविध तरह के लक्षण आदि के विषय में शास्त्रों के प्रमाण आदि से अलग अलग पदार्थों के स्वरूप को हमने जानने का प्रयास किया, उसके विषय में हमने चर्चा की, गुण क्या हैं, पदार्थ क्या हैं। अब ये जो समुल्लास हमारा सत्तार्थ प्रकाश का तीसरा समुल्लास का लास्ट में ऋषि दयानंद पठन पाठन की विधि के विषय में लिखते हैं। तो पठन पाठन विधि के विषय में, क्योंकि आप सौभाग्यशाली हैं, सभी लोग
ऋषि दयानंद के अनुसार जो पठन पाठन की विधि है उसके अनुसार ज्यादातर व्याकरण आदि ग्रंथों को आप पढ़ रहे हैं। पठन पाठन का प्रयोजन ऋषि दयानंद के हिसाब से भी आप देखेंगे, पहला जो प्रारंभ है जिसको वर्णोच्चारण शिक्षा भी हम कहते हैं, ऋषि दयानंद ने उस ग्रंथ को लिखा। बहुत छोटा सा ग्रंथ है, कि अक्षर क्या है, अक्षरम नक्षरम विद्यात वर्णो तेरवा सरोक्षरम वर्णम बाहु पूर्व सूत्रे किमर्थम उपदिश्यति, हमने पढ़ा था कभी 25-30 साल पहले, पर अभी भी याद है। शब्द क्या है, आकाश वायु प्रभव शरीरात समुच्चरण वक्रम उपैधि नाद, इस तरह के जो शब्दों के अर्थ हैं ये बहुत गहरी बात है। हम बहुत छोटे बच्चे को हम बताते हैं कि अक्षरम नक्षरम विद्यात, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बहुत गहरी बात है। यानी जीवन के सबसे बड़े रहस्य को हम पठन के प्रथम दिवस में सिखाते हैं कि दुनिया में अब इतने सारे अनुसंधान होने के बाद में यह सिद्ध हुआ है कि जो शब्द है वो भी कभी नाश नहीं होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं, शब्द का गुण क्या है, आकाश, आपने सुना, कुछ आपके अंदर चला गया, नहीं सुना वो आकाश में चला गया। पर ये ध्यान रखना वो समाप्त नहीं हुआ, वो कभी समाप्त ही नहीं होता है। अक्षर जो शब्द है, अक्षर शब्द का जो अर्थ है वो अर्थ ही यही है कि जिसका कभी नाश होता ही नहीं है। तो अक्षर लिखने का नाम नहीं है, वह तो उच्चारण का नाम है, क्योंकि लिखे का उच्चारण नहीं होता है, उच्चारण को लिखा जाता है, यह ध्यान रखना। लिपि बाद में है, शब्द पहले है। इसीलिए हम लिखे को नहीं बोलते हैं, बोले को लिखते हैं। इसलिए शास्त्र में भी ये कहा जाता है, यस्मिन ऋचः साम यजुंसी यस्मिन प्रतिष्ठिता रचना वाविभार। जो हम कहते हैं ना कि जो शास्त्र है, जो ज्ञान है, जो विद्या है, वह अंतर में है, तो हम लिखे को नहीं बोलते हैं। अंदर से जो स्फुटित, जो स्फुरणा होती है, जो बाहर निकलती है चीज, उसको लिखा जाता है। और इसीलिए वेदों को हम प्राचीन काल में एक और शब्द से भी जानते हैं। वेदों को हम क्या कहते हैं, श्रुति। वेदों को श्रुति क्यों कहा जाता है, क्योंकि वह श्रुत परंपरा से वो विधा रक्षित रही, लिख करके भी वेद रक्षित नहीं हुए। हमने सुना, उन शब्दों को अंतर में धारण किया, सुनते रहे और उसको, उस परंपरा को हम आगे बढ़ाते रहे, उसका नाम। इसलिए वेदों को हम श्रुति भी कहते हैं, उसको श्रुति परंपरा भी कहा जाता है। इसलिए अक्षरम नक्षरम विद्यात, कि जो अक्षर है वह कभी नाश को प्राप्त नहीं होता है, इतनी सी बात को हमारे ऋषियों ने आज से लाखों लाखों वर्ष पहले ही कहा था। और आज आधुनिक वैज्ञानिक विविध अनुसंधान के बाद में वो ये कहते हैं कि जो शब्द है
वह कभी नष्ट नहीं होता है। और ऐसे यंत्रों का आविष्कार भी हुआ है जो विविध तरह के शब्द जो आकाश में गुंजायमान है उन शब्दों को कैच करने का भी प्रयास हो रहा है। ये काम चल रहा है, कितना सफल होंगे, कितना काम हो चुका है इस विषय में बहुत स्पष्टता से हम नहीं कह पाएंगे, पर हमको यह पता है कि इस विषय में बहुत काम हुआ है। और आज का जो साइंस है वो इस बात को मानता है कि शब्द जो है वह जो अक्षर है वो अक्षर कभी वो नाशवान नहीं है। तो यह विद्या हमारी हमारे शास्त्र कितने गहरे हैं, हर शास्त्र की हर गहराई उस शब्द के अंदर वो चीजें छिपी हुई है। तो अक्षर का अर्थ ही हो जो कभी नाश नहीं होता है, इससे सुंदर कोई परिभाषा या उसका कोई सुंदर अर्थ नहीं हो सकता है। तो आकाश वायु प्रभव शरीरात कि शब्द का जो अक्षर का निर्माण कैसे होता है आपको पता होगा। सिर्फ और सिर्फ भारतवर्ष में भी उच्चारण की अलग अलग विधाएं हैं। दक्षिण में कुछ शब्दों को अलग तरह से बोला जाता है, बंगाल साइड में अलग तरह से बोला जाता है, बिहार में अलग से बोलते हैं, गुजरात में अलग से बोलते हैं। तो वो शब्द में परंपरा में कुछ हमारे यहाँ त्रुटियां आ गई। बिहार में तो जैसे महाराष्ट्र या आप गुजरात में जाइएगा तो जो कृष्ण को कृष्ण बोलेंगे, क्री को री, उसको रू हो जाता है। उधर जाते हैं तो सा को खा बोलते हैं। बंगाल में जाते हो तो आपको भी औ ऐसा करके उच्चारण होता है थोड़ा सा। तो वो एक प्रोनाउंसिएशन में तो, पर फिर भी मैं आपको ये बता दूं, ये विचित्र बात है, चाइनीज लोग पता है तुमको रॉ नहीं बोल सकते हैं, और चाइनीज एक आदमी के नाम में रॉ भी नहीं होता है, बोल ही नहीं सकते। जैसे मेरे को याद है हमारे एक दिल्ली में परिचित सज्जन है, उनका लड़का हुई चाइना में ही बिजनेस करता है, चाइनीज लड़की से ही शादी करी, परिवार उधर ही बसा है उसका, आता है, उसका नाम था सुधीर। तो चाइनीज में क्या नाम रखा होगा उसको बताना, सुधिया। हाँ हाँ, उसका नाम सुधिया है। तो ये जो विधा है आप ये समझिए कि हम परमात्मा के नजदीक है। जैसे हम कहते हैं ना संस्कृत भाषा वह देववाणी है, क्यों, क्योंकि वह परमात्मा के द्वारा मनुष्य को सृष्टि के प्रारंभ से ही मनुष्य के जीवन को उन्नत बनाने के लिए, जीवन में कुछ सीखने के लिए जो दी हुई वाणी है वो देववाणी है, संस्कृत हम उसको कहते हैं। बाकी अन्यत्र आप दूसरी भाषाओं में देखोगे, इतना ही नहीं दूसरे देशों में देखोगे। अब अंग्रेजी के जो वर्णों का आप उच्चारण देखेंगे वहां पर ना तो होता है ना नहीं होता, द तो होता है ड नहीं होता है, त तो होता है ट नहीं होता है। वो कर नहीं सकते, वो अलग नहीं कर सकते। यदि आप उच्चारण कराएंगे उनको बोलो ता था, फिर बोलोगे टा, जो साउथ में भी आपको पता है थोड़ा भाषा को होने से, उनको बोलो टेनी तो बोलेंगे थेनी। वो डिस्ट्रिक्ट भी ना तेनी डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि वहां भी अभी हम लोग कुछ काम कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि भाषा के वो सुधर सकता है। क्यों, क्योंकि हमारे परंपरा में हमारी जिह्वा के अंदर वो सामर्थ्य है। यदि हमारी परंपरा के अंदर वो अशुद्धियां या अशुद्ध परंपराएं आ भी गई हों हम उसको सुधार कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो जिह्वा है ना उस तरह से बनी हुई है। पर यदि एक अंग्रेज को पूरी ताकत लगा दो उसको ठाको टा कराना हो, टा नहीं कर सकता वो, बीच का ही करेगा, ट और टा के बीच में बोलेगा वो, ड नहीं करा सकते उसको। ड कभी बुलवा लेके देखना, ड ड में क्या करना पड़ता, पूरी जीवा को लपेटनी पड़ती है। वो ऐसे बोलते हो उन जो बोलते हैं ये सिर्फ वो जो तालब्य जो दंत औष्ठ वाला जो प्रयोग है वो करते हैं, जीवा को दांत में टकरा करके बोलने वाले शब्द को तो आराम से बोलते हो ऐसा वाला डा, ये जब जीवा को तालू की तरफ ले जाना पड़े वो नहीं हो जाता है, वो जीवा लपेटे में नहीं आएगा कभी भी। ये सत्य है। तो जो यदि हम शब्दों की यदि बात करें, इतनी जैसे अभी आपने सुना होगा, आप लोग सब पढ़ते रहते हो, लोग बोलते भी रहते हैं, हमने भी सुना पता किया
कि कंप्यूटर के अंदर सबसे उपयुक्त भाषा क्या है, उसने स्वीकार किया संस्कृत। संस्कृत का कारण क्या है? संस्कृत भाषा, हम जैसा लिखते हैं हम वैसा बोलते हैं, जैसा बोलते हैं वैसा लिखते हैं। दुनिया में ऐसी कोई भाषा नहीं है दूसरी, जो लिखा जाता हो वही बोला जाता हो, जो बोला जाता हो वही लिखा जाता हो, दोनों काम नहीं होता है। बहुत सारा कुछ कहीं ना कहीं लिखा कुछ जाता है, बोला कुछ जाता है। पहली बात। दूसरी बात, संस्कृत में आप देखेंगे कि हम एक एक अक्षर के पीछे कि जो बोलते हैं वो लिखते हैं, इसका प्रमाण क्या है? जैसे अक्षर की उत्पत्ति की बात की गई कि हाँ, जैसे हमने कहा जो वर्गों में हो गया, क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, वर्ग में विभाजन हो गया, कौन से अक्षर कौन से स्थान से, उदतो दंतोष्ठो या अकूह विसर्जनी या कंठा कंठ्या, जो जितने भी शब्द आप लोग पढ़ चुके, व्याकरण पढ़ रहे हो, इस तरह से शब्दों के उच्चारण का स्थान की अकूह और विसर्जनीय, अ कु मतलब कवर्ग और ह और विसर्जनीय, ये कहां से बोले जाएंगे? इस तरह के शब्दों का ज्ञान दुनिया की किसी भाषा में संभव नहीं है। अंग्रेज ये नहीं कह सकते हैं कि तुम ए को कहां से बोलोगे, बी को कहां से बोलोगे, वहां ए ए नहीं होता है, बोलने में ए बोलते हैं ना, लिखने में ए थोड़ी उसका अर्थ होता है, बी का अर्थ बी थोड़ी होता है भाई। बी लिखने में तो यूं बी लिखा जाएगा, यदि बी बोलना हो तो या तो बी आई लिखोगे या बी डबल ई लिखोगे तो ही तो बी होगा। सी लिखना है तो गोल लिख दिया तो बोलने क्या, कोई पूछेगा तो सी, और यदि प्रयोग करना हो तो सी में थोड़ी प्रयोग होगा, वो या तो आधा सा होगा या आधा का होगा। पर संस्कृत में ऐसा नहीं होता है, और जो देवनागरी या संस्कृत निष्ठ भाषाएं हैं उन भाषाओं में भी यह त्रुटि कम होती है। वो परंपरा की त्रुटि में कुछ चीजें आ गई, पर दुनिया में अन्यत्र दूसरी भाषाओं में यह कभी संभव नहीं है। तो यह पठन पाठन की विधि ऐसे ही कि शब्द कहां से प्रारंभ होता है, दुनिया की कोई भाषा यह नहीं कहती है। नाभि से उठकर के शब्द विविध स्थानों में होता हुआ अक्षर बाहर निकलता है, वह वर्णत्वम आगच्छति सा शब्द है कि बाहर जब निकलता है तो वो शब्द बनकर के आता है, यह दूसरी भाषा में कोई नहीं कह सकता। तो यह हमारी गहरी परंपरा थी। तो वर्णोच्चारण से लेकर के उन रहस्यों को समझते हुए भाई, ये तो अब पता चला ना, पृथ्वी गोल है या ब्रह्मांड भी गोल है, हमारे यहां तो लाखों साल पहले पता था, कितना सरल था, आराम से क्या कहा, खगोल भूगोल खचपटा भूचपटा, ये तो नहीं कहा था, उसमें अर्थ है ना। ऋषियों ने कि जो धरती है वो गोल है इसीलिए भूगोल, वो पूरी ब्रह्मांड जो है वह भी गोल है, खगोल। ये गहराई आप यदि देखेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे, तो आपको लगेगा सब कुछ, संपूर्ण चीजें अत्यंत वैज्ञानिकता से परिपूर्ण है, और ऋषियों ने उसको सुगम बनाने के लिए उन सारी चीजों को वहीं पर पिरो दिया है, चाहे वो आहार की बात हो, व्यवहार की बात हो, आचरण की बात हो, ज्ञान की बात हो, समझ की बात हो, सब कुछ को बहुत सुगम सरल प्रामाणिक और पूरे विज्ञान के साथ में उसको जोड़ने का प्रयास प्राचीन काल में ऋषियों ने किया। वो परंपराएं हम भूलते गए, मैंने पिछली बार भी आपको कहा था, हमारे यहां प्रातः काल उठ करके जल पीने से लेकर के दंत धावन से लेकर के
शौचादि क्रिया से लेकर के वस्त्र धारण से लेकर के आहार के अंदर ऋतु के अनुसार विविध तरह के मसालों का सब्जियों का प्रयोग तक, ये सब कुछ विज्ञान से परिपूर्ण था। ऐसी विविधताएं और इतने विज्ञान कहीं भी नहीं है। जैसे हमको सब जो सब्जी पकाने वाली माताएं बहनें होती हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर पता है कि जो जिसको कद्दू बोलते हैं ना, पिट्ठा कद्दू, कई जगह लौकी को बोलते हो, जो वैसा वाला गोल वाला जो कद्दू होता है, तो हर माता को पता है कि उसकी सब्जी बनेगी तो छौंक किसके लगाएंगे, जीरे की तो सब में लगती है बंधु, मेथी लगाई जाती है ना। मेरे को भोजन पकाना आता है, समझ ने बताया होगा है ना, हमने गुरुकुल में रोटियां भी बहुत पकाई। हम एक एक आदमी की ड्यूटी होती थी, रसोई में तो दो होते थे, करीबन 40-50 आदमियों को भोजन पकाना होता था, दो आदमी हम मस्ती से पका लेते थे, ठीक है, और बढ़िया रोटी भी बनाकर अभी भी खिला सकते हैं। तो बात यह है, सब कुछ ज्ञान होनी चाहिए ना, भोजन पकाने की भी होनी चाहिए, खाने का ज्ञान तो हालांकि सबको है, तो पकाना भी आना चाहिए। तो ये जो ज्ञान है, यह परंपरागत जो चीजें हैं, यह हम सबको परंपरा से मिल रहा है, पर यह परंपरा कहीं तो शुरू ही होगी। खगोल शब्द कभी किसी ने बनाया तो होगा ना, या भूगोल शब्द किसी ने कभी बनाया होगा, तो क्या आप ऐसा मानते हो कि उस आदमी ने तुक्के में इस धरती का नाम भूगोल रख दिया? कभी नहीं, उनको पहले ज्ञान था, इसके बाद में उस नाम को रखा गया। जैसे मैंने आपको बहुत छोटे छोटे उदाहरण देकर के समझाया, सब्जी में ये डालना है। अच्छा ये बताइए, ये किसने सिखाया कि सर्दी में तिल खाना है? ये कहीं रिसर्च तो किया होगा किसी ने कि हमको गर्मी में क्या खाना है, सर्दी में क्या सेवन करना चाहिए। एक बात, दूसरी बात, प्रकृति के अंदर भी आप देखोगे, कभी सोचना हिमालय में कभी तुमने खरबूजे और तरबूज लगे देखे? यदि वहां लगा देता तो भगवान खरबूज पैदा कर देता, और कहां पैदा करता, रेगिस्तान में, राजस्थान में, जहां रेतीली जमीन है, जहां पानी भी नहीं है, वहां खरबूज और तरबूजा होता है। क्यों? भगवान को पता है कि यहां जरूरत है उसकी ज्यादा। यदि पहाड़ पर पैदा करते, एक तो लाने का, ट्रांसपोर्ट का इतना खर्चा लग जाएगा, और वहां का आदमी ज्यादा खा ले तो उसे ठंड से मर जाएगा, तो भगवान वहां पैदा करता है। और वहां क्या पैदा करता है? बादाम कहां होता है? हिमालय में गर्म होता है। अनाज में भी अजवाइन, गर्म चीजें आप देखना, प्राकृतिक रूप से वह द्रव्य वहां पर पैदा होते हैं जहां के लिए वो ज्यादा उपयुक्त होते हैं। इसीलिए ऋषियों ने कहा कि जो पदार्थ जिस देश में पैदा होता है उस देश के लोगों के लिए वह पदार्थ ज्यादा उपयुक्त होता है। हम आयुर्वेद की बात क्यों करते हैं, जड़ी बूटियों की बात क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि यह आयुर्वेद और जो जड़ी बूटियां हैं प्राकृतिक रूप से भगवान ने हमारे देश के हवा पानी और यहाँ की प्रकृति और वातावरण के अनुसार पैदा की हुई हैं, इसलिए ज्यादा ये उपकारी और उपयुक्त हैं। ये सिंपल सा इसका विज्ञान है। और इससे आगे भी यदि आप सोचोगे, एक समझने की बात ये, जैसे कोई विषैली चीज है, जैसे मान लो आप लोगों को, बहुतों को पता होगा, जैसे पहाड़ पे गए थे तो उस दिन में जैसे बिच्छू घास है वो, क्योंकि थोड़ा लगते ही झंझनाहट होती है, फफोले से पड़ते हैं, पर जहां वो है उसके बराबर में आपको ऐसी कोई जड़ी बूटी दिखाई देगी जो उसको आप पर लगा दोगे तो उसकी जो जलन है शांत हो जाएगी। ये
इस प्रकृति, इस परमात्मा की कृति को आप गहराई से समझने का प्रयास करो। इसके अंदर जो गहराई है, जो विज्ञान है, जो परमात्मा की, जैसे कहते हैं कि हम भगवान को कैसे महसूस करें, इसके सृष्टि के अंदर जो बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से, जहां हमारी कल्पना और बुद्धि से भी परे, वो इतनी व्यवस्थित रूप से भगवान ने रचना की है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमारी बुद्धि वहां तक काम नहीं कर सकती है, छोटी से छोटी चीज में हम उसको प्रयास से समझते हैं चीजों को, तो यह समझ में आता है कि जिस तरह से यह सृष्टि परमात्मा ने पूरी वैज्ञानिकता पूर्ण ढंग से सृष्टि की रचना हुई है, तो उसी पूर्ण वैज्ञानिकता से परमात्मा ने भाषा के रूप में, ज्ञान के रूप में, संस्कृत के रूप में हमको जानने के लिए, सीखने के लिए भाषा प्रदान की, इसलिए हम संस्कृत को देववाणी कहते हैं। तो इसमें इसका मैंने आपको उत्तर दिया कि हम ये क्यों माने कि संस्कृत ही परमात्मा के द्वारा दी हुई वाणी है, क्योंकि वो भाषा है या परमात्मा की जो वाणी है वह संस्कृत है, वो इसलिए क्योंकि वह अत्यंत वैज्ञानिकता पूर्ण है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है, उसके अंदर संपूर्णता है, सर्वांगीणता है, ऐसी चीज परमात्मा के बिना दूसरे में कहीं हो नहीं सकती, दूसरा कोई हमको दे नहीं सकता, इसलिए परमात्मा की वाणी है। यह शक्ति, यह सामर्थ्य दूसरे भाषाओं में नहीं है, दूसरे किसी परंपरा में नहीं है, सिंपल सी बात है, कोई बहस की बात नहीं है। कोई बैठे तो बैठ सकता है, जिस दुनिया के अंदर हजारों बोलियां बोली जाती हैं, भाषाएं भी 1200 से ज्यादा भाषाएं हैं, और जो प्रमुख भाषाएं हैं दुनिया में ऐसी भी 200-250 भाषाएं हैं, उन सारी भाषाओं को लेकर के आप बैठी है, वो जो 1200-1300 भाषाएं उनको लेकर के बैठी है, तो आपको दिखेगा कि वहां कहीं ना कहीं कमियां हैं, कहीं ना कहीं त्रुटियां हैं। यह तो हुई कि भाषा कौन सी परमात्मा की है, तो वह उसको समझने के लिए, पर इससे यदि मैं आगे की बात कहूं, हम संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी मानते हैं, सभी जितने भी जो दुनिया के अंदर जो भी बोलियां, जितने भी भाषाएं बोली जाती हैं या जो भी जिनको भी जानते हैं, उसका मूल आधार संस्कृत है। इसके लिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि जितने भी ये जो बाइबिल आदि लिखे गए हैं ना, ये हिब्रू भाषा में लिखे गए हैं, और जो कुरान है वो भी हिब्रू में ही है, और हिब्रू भाषा के अंदर अभी मैं कुछ काम कर रहा हूं, बहुत सारे शब्द संस्कृत से लिए गए हैं, यानी हिब्रू भाषा की जननी भी संस्कृत है, यह प्रमाणित हो चुका है। और एक मैंने ढूंढा तो कुछ मेरे को रिसर्च पेपर भी मिल गए हैं, और यह बात भारतीय विद्वान ने विदेश के उस कंट्री के लोग कह रहे हैं जिनके अंदर संस्कृत को लेकर के एक पक्षपातपूर्ण नजरिया है, वो लोग भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, संस्कृत तो हमारी भी मां है। तो बहुत काम करने की आवश्यकता है, आप लोगों से भी हम ये बहुत आशा करते हैं, मेरे मन में बहुत भावनाएं हैं, श्रद्धे स्वामी जी पूरी संस्था को लेकर के, पूरे देश को लेकर के, पूरी दुनिया के अंदर बड़ा काम करने को लेकर के सोचते हैं, बड़े बड़े काम आपको करने, पर हमारी सोच तो ये छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी बातें हैं, छोटी छोटी चीजों में बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। एक व्यक्ति आप में से तैयार हो जाए कि मुझे भाषा के ऊपर काम करना है, सब स्वीकार करते हैं, सब मानते हैं, पर मां तो हमारी है संस्कृत, भाषा तो हमारी है, तो दूसरे लोग अनुसंधान कर रहे हैं, दूसरे कह देते हैं कि नासा के वैज्ञानिक परीक्षण करके कहते हैं कि संस्कृत भाषा बहुत बढ़िया है, कंप्यूटर के लिए उपयुक्त है, क्या इन छोटी छोटी चीजों को हम नहीं कर सकते? हम ये सिद्ध नहीं कर सकते हैं कि संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है? क्या हम इसके लिए दो रिसर्च आर्टिकल नहीं बना सकते हैं कि संस्कृत भाषा से बाकी भाषाओं की उत्पत्ति है? एक वैदिक आर्य समाज के बहुत अच्छे विद्वान हुए आचार्य रघुनंदन शर्मा जी, पंडित रघुनंदन शर्मा, उनकी पुस्तक है वैदिक संपत्ति, लाइब्रेरी में भी होगी, जरा उठा के पढ़ना, बहुत अच्छी पुस्तक है। और भाषा की जो उन्होंने सिर्फ भाषा नहीं, बोली नहीं, उन्होंने तो लिपि तक को भी
किस तरह से लिपि जो है संस्कृत की जो लिपियां हैं देवनागरी लिपि से कैसे भ्रष्ट होती होती दूसरी लिपियां बन गई, उसको भी उन्होंने वैज्ञानिकता और तथ्यपूर्ण ढंग से दिया है।